लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं, इनका इस्तेमाल क्या होता है, इनको क्यों कर्ज यूज़ करते हैं, इनकी अहमियत क्या है। मैं इसको आज फिर से रिपीट करता चलूँ कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दरअसल एक्शन होता है और एक्शन की मुख्तलिफ हालतें होते हैं। हम उर्दू में भी कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, जैसे कि तुम देखते हो, तुम्हारा देखना एक एक्शन है। फिर तुम पढ़ते हो, ये भी पढ़ना भी एक्शन है। तुम सुनते हो, तुम्हारा सुनना एक एक्शन है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरा पढ़ाना मेरा बोलना, ये भी एक एक्शन है। तो ये एक्शन को उर्दू में हम कहते हैं फ़ेल। क्या कहते हैं? फ़ेल मतलब काम। कोई भी काम आपके हाथ से सरजर हो, आपकी आँख से, आपके कानों से, कोई भी एक्शन आपकी नाक से, आपकी ज़ुबान से, आपके लिप से, तो इसको हम कहते हैं फ़ेल। बोलना, सोना, दौड़ना, जैसे फूल तोड़ना, ये फेल होते हैं। इनकी होती हैं मुख्तलिफ हालतें, और ये हालतें क्यों कर होती हैं? दरअसल कभी हम कहते हैं कि तुम फूल तोड़ते हो, तो कभी हम कहते हैं तुमने कल फूल तोड़ा था। तोड़ते हो, तोड़ा था। जोड़ते हो, जोड़ा था। बोलते हो, बोले थे। तो यूँ ये फॉर्म्स जो हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाती हैं, बदल जाती हैं। हम हर वक्त मुख्तलिफ फॉर्म्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त हम एक ज़माना बताते हुए एक फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं कल पढ़ाता हूँ, मैं हर रोज़ पढ़ाता हूँ, मैं परसों पढ़ाता हूँ, मैं अभी अभी अब्दुलरहमान को पढ़ाता हूँ, मैंने कल अब्दुलरहमान को पढ़ाता हूँ, तो किसी को समझ नहीं आएगी। हालांकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया था, मैंने अब्दुलरहमान को परसों भी क्लास दी थी, पढ़ाया था, मैंने अब्दुलरहमान को हर रोज़ पढ़ाता हूँ, तो यूँ समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने हालतें चेंज की हैं। इसी तरह हालत को इंग्लिश में फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म। तो इनको ईजीली समझने के लिए पहली हालत को कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट वाली फॉर्म, मौजूदा ज़माने वाली। जैसे हम कहते हैं कि मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मतलब रोज़मर्रा की कोई गपशप बात करनी हो, जैसे कि मैं हर रोज़ पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट वाला फॉर्म है। अगर मैं दूसरी हालत में बोलूँ कि मैंने पढ़ाया, तो मतलब वो पास्ट हो गया, तो उसमें मैं फिर टीच की जगह पे टीच नहीं कहूँगा, टॉट कहूँगा। आई टॉट मैंने पढ़ाया। तो ये दूसरी हालत हुई। चुनांचे अगर तीसरी हालत की बात करें कि मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि तीसरी हालत, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म में हम जब भी उर्दू में बात करें तो इसकी भी तीसरी फॉर्म होती है चुका हूँ। क्या? चुका हूँ। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, मैंने देख लिया, मैंने लिख लिया है, मैं लिख चुका हूँ, मैं उससे बात कर चुका हूँ, मेरी उससे बात हो रही है, तो हो चुकी है। तो हम क्या कहते हैं, ये हमारी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। इसी तरह इंग्लिश में भी हम थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे जब आपने कोई काम मुकम्मल कर लिया हो। तो इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलूँ। अब्दुलरहमान, इस चीज़ के ऊपर गौर करें, मैं आपको मुख्तलिफ हालतों का जिक्र कर रहा था, जिसमें मैं आपको तीन हालतों का बता रहा था कि फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसी तरह एक फोर्थ फॉर्म भी होती है। फोर्थ फॉर्म में हम कहते होते हैं कि जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो वो उस टेंस के लिए इस्तेमाल होती है जो कंटिन्यूस का टेंस हो। कंटिन्यूस टेंस के दो नाम हैं, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस, तो मतलब वो जारी के लिए होता है। और ये जो इंडेफिनेट होता है, ये होता है मौजूदा ज़माने के लिए, जो आपकी हर रोज़मर्रा की रूटीन है, जो आप हर रोज़ करते हो। जैसे जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक ये सामने आपको एक हॉर्स नज़र आ रहा है, यू कैन सी दिस हॉर्स, इस हॉर्स की तरफ आप देखें, इसमें ये जो हॉर्स है, जब आप देखते हो तो आपके ज़हन में आएगा कि ये तेज़ दौड़ता है, ये घास खाता है, ये दूर दूर तक दौड़ता है, ये लात नहीं मारता, ये काटता नहीं है। मींस के हम इसकी आदत बता रहे हैं, या इसकी शिकायत लगा रहे हैं, या इसकी रोज़मर्रा की मामूलात ज़िंदगी बता रहे हैं कि ये क्या करता है, इसके फंक्शंस बता रहे हैं। तो ये होता है पहली हालत। क्या होता है? पहली हालत। और उर्दू में पहली हालत की निशानी होती है ता है वाली। कौन सी? ता है। जैसे घोड़ा घास खाता है, मतलब हर रोज़ ही खाता है, उसका खाना काम है,
घोड़ा घास खाता है, अगर नहीं खाएगा तो वो प्रेजेंट नहीं बनेगा। इसी तरह ये लड़का अच्छा है, ये अच्छे काम करता है, दांत साफ रखता है, नाक साफ करता है, स्कूल जाता है, कहना मानता है, अच्छे दोस्तों से मिलता है, ज़िद नहीं करता, ज़िद बहुत करता है, रात देर से सोता है, रात जल्दी सोता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है जिस फिक्रे के आखिर में एक ऐसी आवाज़ है जो कि ता है, ती है, ता हूँ वाली। तो असल इसकी फॉर्म यही होती है, साउंड में ता है, जैसे वो पढ़ता है, वो रात देर से सोता है। इसी तरह किसान आपके जहन में जब आता है तो आपके जहन में क्या क्या फिक्रे आते हैं? किसान मेहनत करता है, फसलों में काम करता है, फसल लगाता है, पानी लगाता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों पर सख्ती भी करता है। तो ये किसान के क्या हैं? किसान के ये काम हैं। मीन्स कि हम इसको कहते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करें। इस टेंस का नाम क्या बताया मैंने आपको? कैन यू हेयर मी? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। लेट्स मूव बैक टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें लिखा है कि गाली देता हूँ, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये जी हाँ, और ये है पहली फॉर्म, मतलब गाली देता हूँ। तो ये रूटीन में हम कहते हैं ना, शिकायत लगाते हुए, कब कहते हैं? शिकायत लगाते हुए, ये आदत। हाँ अच्छा, फिर ये फॉर्म क्या लिखा हुआ है? कबूल करता हूँ, तो इसकी इंग्लिश है एक्सेप्ट। इल्ज़ाम लगाता हूँ, इसकी इंग्लिश है अक्यूज़। गिरफ्तार करता हूँ, इसकी इंग्लिश है अरेस्ट। अमल करता हूँ, इसको हम कहते हैं एक्ट। ऐसे ही अगर आपने कहना हो कि वो मेरी तारीफ़ करता है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, टीचर हमारी तारीफ़ करता है, तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे एडमायर। क्या करेंगे? इसी तरह अगर हम कहते हैं कि दाखला देता हूँ, दाखला देता है, या दाखिल करता हूँ, तो उसमें हम कहते हैं एडमिट। फिर नसीहत करता हूँ, मैं अपने दोस्त को नसीहत करता हूँ, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एडवाइस का। क्या? एडवाइस एडवाइस। फिर लफ्ज़ है राज़ी होता हूँ, क्या? तो उसके लिए हम कहते हैं अग्री। फिर लास्ट वर्ड है जवाब देता हूँ, तो उसके लिए हम कहते हैं आंसर। लेकिन ये प्रेजेंट की फॉर्म्स हैं। कौन सी हैं? और ये होता है मौजूदा ज़माना। कौन सा? जो अभी हो, रूटीन का। इसका पास्ट है, पास्ट कौन सा है वो आप बताएंगे मुझे। गाली देता हूँ से हम क्या कहते हैं? गाली दी। इसकी इंग्लिश क्या हुई? कबूल किया। इसकी क्या इंग्लिश हुई? हाँ, अगर आपने कहना हो कि उसने कबूल किया, तो हम क्या बोलेंगे? उसने को हम ही बोलेंगे ना। हाँ, ये प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन ही, शी, इट, आई होता है मैं, वी होता है हम, यू होता है तुम, वे होता है वो, ही होता है वो एक लड़का। यानी उसने कबूल किया तो वो एक्सेप्टेड हो गया ना, ही एक्सेप्टेड। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं कबूल करता हूँ, तो मैं एक्सेप्टेड बोलूँगा या एक्सेप्ट बोलूँगा? एक्सेप्ट बोलूंगा या एक्सेप्टेड बोलूंगा? अगर मैं कहूँ मैं कबूल करता हूँ, तो अच्छा। अगर मैं कहूँ कि मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, तो मैं अक्यूज़ बोलूंगा या अक्यूज्ड? अगर मैं कहूँ कि मैं अमल करता हूँ, तो मैं एक्ट बोलूंगा या एक्टेड? अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं आपकी बात पर अमल करता हूँ, तो उसमें हम एक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या एक्टेड? मैं आपकी बात पर अमल करता हाँ, उसके हूँ। लिए एक्ट। और अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने अमल किया था, तो मैं एक्ट बोलूँगा या एक्टेड? अगर मैं कहूँ कि मैंने गिरफ्तार किया, तो मैं एक्टेड अरेस्ट बोलूँगा या अरेस्टेड? जी, उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि मैंने गिरफ्तार किया, तो उसके लिए आप अरेस्ट बोलोगे या अरेस्टेड? और अगर मैं कहूँ कि मैंने इल्ज़ाम लगाया, तो उसके लिए मैं अक्यूज़ बोलूँगा या अक्यूज़्ड बोलूँगा?
अक्यूज्ड। शाबाश। इसी तरह उसने गाली दी, उसके लिए मैं बोलूँगा अब्यूज्ड, बजाय कि मैं बोलूँ अब्यूज़, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म होती है, और ये होती है जब माजी की बात करते हैं। तीसरी फॉर्म की तरफ अगर हम आएँ तो जैसे उसने गाली दे दी है, वो गाली दे चुका है, तो उसके लिए हम कहते हैं हैव अब्यूज्ड, हैव एक्सेप्टेड, हैव अक्यूज्ड। जैसा कि मैंने कबूल कर लिया है, आई हैव एक्सेप्टेड, क्या बोलेंगे? मैंने इल्ज़ाम लगा दिया है, तो आई हैव इल्ज़ाम लगा दिया, हैव अक्यूज्ड। मीन्स कि आपने तीसरी हालत में यूँ बोलना है, जब कोई काम हो चुका हो, कर लिया है, सो गया। तो ये आपके सामने ये पांच फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, पांच वर्ब्स हैं, और इनकी अपने फॉर्म्स करनी है। अब्यूज़ गाली देता हूँ, अब्यूज्ड गाली दी, हैव अब्यूज्ड गाली दे चुका हूँ, कबूल करता हूँ एक्सेप्ट, कबूल किया था एक्सेप्टेड, कबूल कर लिया हैव एक्सेप्टेड। इसी तरह आप अगर ये सामने देखें, जैसा कि लिखा हुआ है कि गिरफ्तार करता हूँ, इल्ज़ाम लगाता हूँ, तो आपने कहना है अक्यूज़। अगर आपको कहना पड़ जाए मैंने इल्ज़ाम लगाया, तो आप बोलेंगे अक्यूज़्ड, और अगर आपको कहना पड़े कि इल्ज़ाम लगा दिया है, तो आप बोलोगे हैव अक्यूज़्ड, हैव अक्यूज़्ड। इसी तरह अगर आप इन लफ्ज़ों के ऊपर गौर करें कि गिरफ़्तार करता हूँ, तो उसके लिए आप बोलोगे अरेस्ट, लेकिन अगर आपने कहना हो कि मैंने गिरफ़्तार किया था, तो उसके लिए बोलोगे अरेस्टेड, और अगर कहो मैंने गिरफ़्तार कर लिया है, तो आप बोलोगे हैव अरेस्टेड। कितना ईजी है। फिर लास्ट फॉर्म जो आपने आज याद करनी, वो है अमल करता हूँ, एक्ट। मैंने अमल किया था, एक्टेड, और मैं अमल कर चुका हूँ, हैव एक्टेड। ऑलराइट, तो ये पांच फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, जिनकी फॉर्म्स भी हैं, आपने कल याद करनी है, कल आपसे ये टेस्ट लिया जाएगा।